रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बायो 301 का तीसरा पार्ट है जिसमें हम अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे, और हमारा चैप्टर है सोर्स ऑफ वेरिएशन, यानी वेरिएशन कैसे होती है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दो तरह से वेरिएशन होती है, एक जेनेटिक कॉसेस होते हैं, दूसरे होते हैं इन्वायरमेंटल कॉसेस, और उन पर हमने तफसील से बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो कार्ड से मैं छोड़ देता हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो जेनेटिक कॉसेस जो है वो तीन है। पहली है मेयोसिस, मेयोसिस जिसमें सेल डिवीजन होती है। एक सेल जो है वो चार हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाता है। दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरी है म्यूटेशंस। ये तीन चीज़ें हैं जो जेनेटिकल कॉज है वेरिएशन की। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल कॉसेस की, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स आप क्या खाते हैं, ड्रग्स आप लोग कौन सी यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर आप कहाँ पर रह रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग आप कितनी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं इन्वायरमेंटल कॉसेस पर। ओके, तो जेनेटिक कॉसेस और इन्वायरमेंटल कॉसेस में यहाँ फ़र्क बताया गया है, तो आप इस फ़र्क को भी देख लें। मैंने आपको सिंपल बता दिया है एक्चुअल फ़र्क, कि फ़र्ज़ करें एक पौधा जो है वो ऐसे इलाके में रह रहा है, ऐसे इलाके में उगाया जाए जहाँ पर उसको सूरज की रोशनी सही तरह से ना मिल सके, तो फिर जाहिर है वो पौधा चाहे उसका जेनेटिक मेकअप कितना भी अच्छा हो, वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर एक चार्ट है जिसको आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसको आप देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सारी बातें मैंने आपको बता दी होगी। तो कंक्लूजन हमें समझ आ गया कि वेरिएशन जो है वो जेनेटिक भी हो सकती है, यानी पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग पे भी जा सकती है, और इनहेरिटेड भी हो सकती है, जो हम नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो, और इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकती है जो इनहेरिटेड नहीं होती। तो ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया। आगे बढ़े और बात करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन मेंडल्स वर्क। तो जो ग्रीगर मेंडल था, उसने किस तरह से इनहेरिटेंस के बारे में बात की। उसने कहा कि प्योर ब्लीडिंग प्लांट्स जो है, मिसाल तौर पर टॉल प्लांट्स, प्रोड्यूस ओनली टॉल ऑफस्प्रिंग। जाहिर है जब ट्रू ब्रीडिंग हम करेंगे, टॉल प्लांट्स की क्रॉस करवाएंगे टॉल प्लांट्स के साथ, तो टॉल ही ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। और पर्पल फ्लावर फ्लावर्स प्लांट्स का, अगर हम पर्पल फ्लावर प्लांट्स के साथ ही क्रॉस करवाएंगे तो हमें पर्पल ही मिलेगी, शर्त यह कि प्योर प्योर ब्रीडिंग हो। प्योर ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि होमोजाइगस हो, यानी जो टॉल प्लांट है उसके दोनों जीन्स जो है वो टॉल हो, डोमिनेंट वाला भी रिसेसिव वाला भी। इस तरह पर्पल फ्लावर भी प्योर ब्रीडिंग हो। अगर यहाँ हेटरोजाइगस हुआ तो हम उसे प्योर ब्रीडिंग नहीं कह सकेंगे, जिसकी वजह से जो यहाँ पर टॉल प्लांट में जो होगा शॉर्ट वाला जीन जो रिसेसिव होगा, हो सकता है वो अगली जनरेशन में रिसेसिव ना हो बल्कि डोमिनेंट हो जाए। लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो होती है, वहाँ पर सभी पहले डोमिनेंट वाले ही जीन्स आते हैं, होमोजाइगस से हेटरोजाइगस ही बनता है। तो इस वर्क से हमें साफ पता चल गया कि किस तरह से वेरिएशन भी इनहेरिट की जा सकती है। तो यहाँ आप देखें कि उसने एक पर्पल फ्लावर प्लांट का एक वाइट फ्लावर प्लांट के साथ क्रॉस करवाया, तो क्योंकि पर्पल फ्लावर जो था वो था डोमिनेंट, तो उसकी वजह से हमें फर्स्ट फीलियल जनरेशन में सारे ही पर्पल फ्लावर मिले। अब जब इन पर्पल फ्लावर्स का आपस में क्रॉस करवाया गया, तो यहाँ पर आपको 3:1 के हिसाब से एक जो है वो वाइट फ्लावर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पर्पल था वो था होमोजाइगस, लेकिन यहाँ जो पर्पल है वो होमोजाइगस नहीं है, हेटरोजाइगस है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर रिसेसिव ट्रेट था वाइट वाला, वो यहाँ पर डोमिनेंट हो गया। तो इस तरह से ये वेरिएशन जो है वो पूरी कुदरत में फैली हुई है, और मेंडल ने भी इस बात को प्रूफ किया। ओके, तो ये कोई बाय चांस नहीं होती, बल्कि ये लॉस के मुताबिक होती है। अब मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं हम। अब ग्रीगर मेंडल ने जो इनहेरिटेंस का मॉडल पेश किया, कि हर ट्रेड जो है उसको एक सिंगल जीन कंट्रोल करती है, और हर जीन के दो अलील होते हैं, उनमें से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, ये थी मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अगर जीन्स मेंडल्स लॉ को ओबे करें, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अलॉटमेंट को, तो उस तरह की इनहेरिटेंस होगी मेंडेलियन इनहेरिटेंस। लेकिन जैसे मिसाल तौर पर फिनोटाइप्स जो है वो पैटर्न्स को ओबे करेंगे, कोई इसमें म्यूटेशन नहीं होगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ऑटोसोमल ही रिसेसिव होगा, एक्स लिंक्ड होगे एक्सेट्रा, ये सारे के सारे बातें हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। लेकिन नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करें, तो
इसमें क्या होगा कि जो मेंडेलियन पैटर्न्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाएगा इनहेरिटेंस के दौरान, ये होगी नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो ऐसे जीन्स जो हेरिडिटरी फार्मूला को अब फॉलो नहीं करते हैं जो ग्रीगर मेंडल ने पेश किया था, उसकी मिसालें कुछ ही हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, को डोमिनेंस जिसमें हाइब्रिड बन जाता है, मल्टीपल एलील्स, एपिजेनेटिक्स, ये सारे के सारे जो है वो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बन सकता है यहाँ से। तो मेंडेलियन जो इनहेरिटेंस है उससे हमें क्या पता चला, उससे हमें पता चला कि मेंडेलियन जो तीन लॉज है उन तीनों लॉज पर जो जीन्स है वो काम करते हैं, उस पर फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, आपको पता है कि एक जो जीन है वो डोमिनेंट हो जाएगा, दूसरा जो है वो रिसेसिव रह जाएगा, वो अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा, उसका जो पेरेंट्स है वो डोमिनेंट नहीं होगी। तो ये मैंने पहली वीडियो जो बनाई है Bio301 की, वो ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस अच्छी तरह समझाया गया है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही होता है कि जो आपका अलील है उसके जो दोनों जीन पेयर है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स के दौरान। और जो तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉनमेंट, वो ये है कि जो अलील्स डिफरेंट जगहों पर मौजूद हैं वो एक साथ भी अलग हो सकते हैं और इकट्ठे भी अलग हो सकते हैं। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉनमेंट। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस से हमें क्या एक्सेप्शंस हैं इनमें, तो यहाँ देखिए, तो मेंडल की एक्सेप्शंस है जैसे कि प्लियोट्रॉपिक है, एपिस्टेसिस है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, सेक्स क्रोमोसोम्स है, इनके ऊपर आगे जाकर बहुत से चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर समझ गए तो बेहतर होगा। अगर हम बात करें एपिस्टेसिस की, तो एक जीन जब दूसरे जीन को छुपा दे, मास करे, तो इसको हम कहेंगे एपिस्टेसिस। लेकिन प्लियोट्रॉपिक क्या होता है कि एक जीन के अगर बहुत से इफेक्ट्स हो तो ये होगा प्लियोट्रॉपिक। अब ये जो यहाँ पर है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये क्या है कि एक फिनोटाइपिक ट्रेट जो है उसको बहुत से मल्टीपल एलील्स डिटरमाइन करें, तो ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें तो एक्स जो है वो फीमेल और वाई जो है वो मेल। अब जो डिसऑर्डर्स है वो किस कुछ इस तरह एक्स लिंक्ड होती है क्योंकि, तो वो डिसऑर्डर्स इस तरह से आएगी एक्स लिंक के केस में। तो बार बॉडीज, डॉसेज कंपनसेशन, तो यहाँ मैंने आपको हल्की सी बात समझाई है, आगे जब ये चैप्टर्स आएंगे तो तफसील से आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर भी उसने ये बातें बता दी हमें कि ये जो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है ये सारे के सारे मेंडेलियन इनहेरिटेंस में एक्सेप्टेशंस है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, पॉलीजेनिक ट्रेट्स, एपिस्टेसिस, प्लियोट्रॉपिक एट्सेट्रा, पॉलीजेनिक ट्रेट्स, ये सारे के सारे। इसी तरह से लिंकेज, एक्स लिंकेज डिसीजेज, इन्वायरमेंटल अफेक्ट्स ऑन जीन एक्सप्रेशन, ये सारे मेंडेलियन इनहेरिटेंस में लिमिटेशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये होता है कि जब कोई भी अलील अपने आप को कम्प्लीटली डोमिनेट ना कर सके, यानी दो एक अलील में, एक अलील पेयर में दो अलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट हो जाता है, एक रिसेसिव हो जाता है, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी अपने आप को कम्प्लीटली डोमिनेट ना कर सके तो ऐसी जो डोमिनेंस है उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये एक एक्सेप्शन है मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। तो मिसाल के तौर पर अगर एक वाइट फ्लावर और एक पर्पल फ्लावर आपस में क्रॉस करवाए, तो अगर कोई भी अपने आप को कम्प्लीटली डोमिनेट ना कर सके तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो मिसाल के तौर पर जब अगर कोई भी अपने आप को कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर सकेगा तो उनका ब्लेंड बन जाएगा, तो इस तरह ब्लड ग्रुप बनता है। और यहाँ पर भी देखें कि एक रेड फ्लावर है, एक वाइट फ्लावर है, तो आपके सामने ना ही रेड आ रहा है ना वाइट आ रहा है, कोई भी डोमिनेट नहीं हो रहा बल्कि पिंक फ्लावर आ रहा है। इस तरह ब्लड ग्रुप में भी होता है, आपका ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, और जो कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आएगा वो ए बी का जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाएगी। अब ये यहाँ पर समझने वाली बात है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कम्प्लीट डोमिनेंस में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि अलील के जो दो पेयर्स हैं उनमें से कोई भी अपने आप को कम्प्लीटली शो नहीं कर रहा और एक ब्लेंड बन रहा है, लेकिन कम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों जीन्स जो है वो अपने आप को डोमिनेट कर लेते हैं, तो वो दोनों का फिर मिक्सर बन जाता है। अब उसके बारे में भी हम आगे जाकर बात करेंगे अभी कम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, को डोमिनेंस सॉरी।
कोडोमिनेंस या कंप्लीट डोमिनेंस ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दोनों अलील्स अपने आप को शो कर लें, फिनोटाइप बना लें, और उनमें से कोई भी डोमिनेंट ना, ऑब्वियसली दोनों ही आ गए हैं सामने, तो इस तरह फिर दोनों के दोनों अलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं हेटरोजाइगसली। जैसे आपका ब्लड ग्रुप है ए बी ए और बी ए बी ब्लड ग्रुप, जैसे यहाँ पर भी देखिए आपका ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, और यहाँ पर जो है वो ये वाले जीन्स आई ए आई बी यानी ए बी ग्रुप बन गया, जिसमें उन दोनों ने अपने आप को कोडोमिनेंस कर लिया। एक और एग्जांपल है इसकी, रोआन कैटल इनहेरिटेंस। रोआन कलर इन कैटल अपेयर्स एज अ मिक्स ऑफ रेड एंड वाइट कलर्स। तो ये जो रोआन कलर होता है ये रेड हेयर और वाइट हेयर इन दोनों का जब आपस में क्रॉस होगा, तो यहाँ से सी आर यहाँ से सी डब्ल्यू, तो हमारे पास आएगा रोआन कोट। तो दोनों जो है वो अपने आप को कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं कर सकेंगे, लेकिन दोनों जो है वो को डोमिनेंस कर लेंगे, और इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा, ये देखिए। और ये देखिए एक और मिसाल है एपलूसा हॉर्स की, यहाँ पर भी देख लें, एक वाइट हॉर्स विद ग्रे स्पॉट्स। ओके, इसके बाद हमारे पास जो तीसरी एक्सेप्शन है मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, वो है पॉलीजेनिक ट्रेट्स। अब पॉलीजेनिक ट्रेट्स क्या है? ज़्यादातर ट्रेट्स जो है वो एक ही सिंगल लोकस कंट्रोल नहीं करता, ठीक है? तो ऐसे ट्रेट्स को हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स, यानी इनको बहुत से जीन्स कंट्रोल करते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स। जैसे आपके सामने कंटिन्यूस वेरिएशन नज़र आ रही होगी आपको, तो ये एक पॉलीजेनिक ट्रेट की एग्जांपल है। इस तरह आपको हाई आई कलर्स नज़र आ रही डिफरेंट, जिनको डिफरेंट जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट की ही एग्जांपल है एक स्पीशीज में। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रेट्स यूजुअली इंडिकेट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अफेक्ट्स फ्रॉम टू और मोर जीन्स। इस तरह स्किन कलर पिगमेंटेशन ये भी तकरीबन तीन जो सेपरेट इनहेरिटेड जीन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं, तो इस तरह से ये भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट हुआ, इसे आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ऑल राइट, तो जो नेचर है उसमें ज़्यादातर क्वालिटेटिव जीन्स जितने भी हैं वो सारे के सारे पॉलीजेनिक ट्रेट्स होते हैं। एक और एक्सेप्शन है मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, वो है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या होता है कि एक ही जीन है और वो दूसरे जीन जो दूसरे लोकस पर मौजूद है उसके एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर देता है, तो यह एपिस्टेसिस, यानी एक जीन जो है वो दूसरे के जीन को मास्क कर देता है, दूसरे की एक्सप्रेशन को। जैसे लैब्राडोर रेट्रीवर्स, वन जीन लोकस अफेक्ट कोट कलर बाय कंट्रोलिंग पिगमेंट ह्यूमिलिनिन डिपॉजिटेड इन द फर। तो जो फर में एक पिगमेंट है वो उसके कोट कलर को अफेक्ट कर रहा है, यानी वन जीन इज मास्किंग और प्रिवेंटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन ऑन सम अदर लोकस और मे बी ऑन द सेम लोकस। लाइक देयर इज एन एग्जांपल कि एक जीन जो है वो जो कोट को कंट्रोल कर रहा है वही उसके फर को भी कंट्रोल कर रहा है। ऑलराइट, सिमिलरली इन द हॉर्सेज एंड द डॉग्स एज वेल, इन द बेज, इन द बक्सिन, डन, पैलोमिनो, सब में सेम रूल चलेगा। जैसे आपको यहां पर एपिस्टेसिस नजर आ रही होगी। तो साबित किया हुआ कि एक ही जीन जो है वो दूसरे लोकस पे मौजूद दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करता है या छुपा देता है, इसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस। ये भी एक एक्सेप्शन है। एक अगली एक्सेप्शन है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब ये होता है कि एक जीन बहुत से इफेक्ट्स करे, बहुत से काम करे, एक से ज़्यादा काम करे, तो इसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। मिसाल के तौर पर ये एक जीन है जो ट्रेट वन, ट्रेट बी, ट्रेट सी यानी तीन काम कर रही है, तो ये है प्लियोट्रॉप, मल्टीपल ट्रेट्स कंट्रोल कर। मिसाल के तौर पर प्लियोट्रॉपिक की वजह से कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस।
तो ये वो बीमारियां हैं जो, क्योंकि एक ही जीन जो है वो बहुत से काम कंट्रोल कर रहा होता है, तो एक जीन अगर आपस में आगे से हिल जाता है वहाँ पर, और ये बीमारी हो जाती है, सिस्टिक फिब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों। ये भी प्लियोट्रॉपिक की एग्जांपल है, सिस्टिक फिब्रोसिस। वो जीन जो पैंक्रियास को कंट्रोल करता है वही यहाँ इसको भी कंट्रोल करता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आई तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आई। वन जीन मोर इफेक्ट्स। पहली बात ये कि फिनोटाइप की भी दो एग्जाम प्लियोट्रॉपी में जो एक से ज़्यादा फिनोटाइप्स होती है वो दो टाइप्स की होती है, फिनोटाइप 1, फिनोटाइप 2। जो फिनोटाइप 1 है वो 40 से 50 साल की उम्र तक आती है, यानी इतनी सालों तक लोग रह सकते हैं। जो फिनोटाइप 2 है उसमें 5 साल की उम्र में, यानी बीमारी होने के बाद 5 साल तक, फिर वो बंदा जो है वो ये फिनोटाइप 2 जो है ये मर जाती है, सॉरी। अब हम बात करिए कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के, ये भी मेंडेलियन एक्सेप्शंस हैं। तो इस पर हमने पिछली वीडियो में भी काफ़ी बात की थी कि किस तरह से जेनेटिक मेकअप के साथ साथ इन्वायरमेंट भी कंट्रोल करती है, अफेक्ट करती है इनहेरिटेंस पर। जैसे कुछ मिसालें हमारे सामने आएगी यहाँ पर, तो हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। मिसाल तौर पर कोट कलर इन आर्कटिक फॉक्सेस। अब जो इस एरिया में, आर्कटिक एरिया में जो लोमड़ियाँ रहती हैं उनका जो कोट कलर है वो डिफरेंट होता है, इस तरह जो हिमालयन रैबिट्स हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरह जो ये देखिए, ये फॉक्स का कलर देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर फॉक्स का कलर देखिए विंटर में, उसी जगह पे देखिए समर में कलर जो है वो डिफरेंट हो गया। तो किस तरह इन्वायरमेंटल इफेक्ट आया, इस तरह यहाँ पर देखिए ये हिमालयन रैबिट्स देखें, कहाँ ऐसे रैबिट्स होते हैं आमतौर पर। ये देखिए सिमीज कैट्स देखिए, तो ये मौसम जो है, जो खुराक है, ये उसकी वजह से ये इफेक्ट हमारे पास आया है। पीएच, सॉइल की पीएच चेंज होने की वजह से सेम जो फ्लावर है हाइड्रेंजिया उसके कलर आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो किसी ना किसी तरह हमें ये बात समझ आ गई कि इन्वायरमेंट भी जो है वो उसका एक गहरा असर है इनहेरिटेंस के ऊपर। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम बात करेंगे क्रोमोसोम की, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।